भाजपा में जिला और महानगर संगठन के ऐलान का बेसब्री से इंतजार करने वालों को अब ज्यादा और प्रतीक्षा नहीं करने पड़ेगी। 15 अगस्त के बाद किसी भी समय यूपी में भाजपा जिलों के अंदर सांगठनिक फेरबदल को लेकर अपने पत्ते खोलने वाली है। भाजपा सूत्रों के मुताबिक पहले सांगठनिक फेरबदल का काम अगस्त के पहले या दूसरे सप्ताह में किया जाना था, मगर स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर प्रस्तावित कार्यक्रमों में पार्टी के प्रमुख नेताओं की व्यस्तता की वजह से अब नए जिलाध्यक्ष और महानगर अध्यक्षों की घोषणा का काम 15 अगस्त तक के लिए टाल दिया गया है। लोकसभा चुनाव से पहले भाजपा यूपी के जिलों में संगठन को और अधिक मजबूती देने के लिए जरूरी बदलाव करने वाली है। कहा जा रहा है कि सभी जिलों में पर्यवेक्षक भेजकर पार्टी हाईकमान ने प्रमुख दावेदारों के नामों की सूची तैयार करा ली है। पार्टी सूत्रों का कहना है कि भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी और प्रदेश महामंत्री संगठन धर्मपाल सिंह ने केंद्रीय हाईकमान का मार्गदर्शन लेकर जिलों की सांगठनिक सूची लगभग तैयार कर ली है। अब बस इंतजार है तो सिर्फ ऐलान का, और इसके लिए 15 अगस्त के बाद का समय तय किया गया है। सूत्रों का दावा है कि राज्य के 98 सांगठनिक जिलों में से पार्टी लगभग आधे जिलाध्यक्ष और महानगर अध्यक्षों में बदलाव करने की तैयारी में है। कई जिलाध्यक्ष और महानगर अध्यक्ष अपना दो दो बार का कार्यकाल पूरा कर चुके हैं, तो कुछ के खिलाफ शिकायतों से पार्टी टेंशन में है। अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव में पार्टी ने राज्य की 80 की 80 सीटों पर विजय का लक्ष्य तय किया है, और यह टास्क पूरा करने के लिए जमीनी स्तर पर काम करने को संगठन की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका साबित होने वाली है। ऐसे में भाजपा हाईकमान आगे को लेकर पहले से ही जरूरी फैसले लेने में जुटा है। बेहद रणनीतिक ढंग से यहाँ एक और कई कई लोकसभा सीटों का क्लस्टर बनाकर उन पर बड़े नेताओं को प्रभारी बनाया गया है। वहीं अपने खास पर्यवेक्षकों के जरिए जिलों से जिलाध्यक्ष और महानगर अध्यक्ष की कुर्सी के लिए प्रभावित चेहरों की लिस्टिंग कराई गई है। सभी विधायक और सांसदों से उनकी पसंद के टॉप 3 दावेदारों के नाम पर्यवेक्षकों ने मांगे थे। इसके बाद सबकी सूची बनाकर पर्यवेक्षकों ने हाईकमान को सौंप दी है। हाल ही में मुरादाबाद दौरे पर आए भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने संकेत दिए थे कि जिलों में सांगठनिक पुनर्गठन को लेकर पार्टी अपने पत्ते बहुत जल्द खोल देने वाली है। इसके बाद से जिला और महानगर अध्यक्ष की कुर्सी पर नजरें जमाए नेताओं की धड़कनें और तेज नजर आ रही हैं।